ग्रेटर हैदराबाद के चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद अब पार्टी के साथ बड़े नामों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज एक्ट्रेस से नेता बनी विजया शांति की 22 साल के बाद फिर से पार्टी में वापसी होने वाली है। 1998 से बीजेपी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली विजया शांति टीआरएस और कांग्रेस में रह चुकी हैं। रविवार को विजया शांति ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद ही उनकी घर वापसी तय हो गई। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल करने के बाद बीजेपी ने अपना मिशन दक्षिण अभियान तेज कर दिया है। साउथ की सुपरस्टार विजया शांति बीजेपी में शामिल हो गई है। विजया शांति ने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से कल मुलाकात की। ये विजया शांति की बीजेपी में दूसरी पारी होगी। विजया शांति का सियासी करियर शुरू हुआ था 1996 में, जब वो जयललिता की स्टार कैंपेनर बनी थी। 1998 में बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्हें महिला मोर्चा का महासचिव बना दिया गया। 1999 में बीजेपी ने उन्हें सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। विजया शांति ने तल्ली तेलंगाना नाम से खुद की पार्टी भी बनाई, लेकिन साल 2009 में उन्होंने पार्टी का टीआरएस में विलय कर दिया। 2014 में वो कांग्रेस में शामिल हो गई। पिछले कुछ वक्त से वो कांग्रेस में ज्यादा एक्टिव नहीं थी और आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एक हफ्ता पहले तेलुगु फिल्मों की बोल्ड एक्ट्रेस नमिता बीजेपी में शामिल हुई थी और आज विजया शांति का नंबर आया है।